एफआईज और डीआईज की एक्टिविटी क्या कहती है और क्या कहते हैं महंगाई दर के आंकड़े और आईपी ग्रोथ में जिस प्रकार से थोड़ी सी नरमी आई है, यूएस में भी काफी सारे ट्रिगर्स हैं, ये सब डिकोड करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर, इनसे जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर। एसजीएक्स निफ्टी तो सौ अंकों की तेजी दिखा रहा है, 18,000 के ऊपर हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन जो आईपी ग्रोथ में थोड़ी सी नरमी आई है, क्या ये चिंता का कारण है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बेस इफेक्ट भी था थोड़ा सा, और मुझे लगता है आशीष की इन्फ्लेशन के भी जो नंबर आए 6.9% की उम्मीद थी, 7% आए, लेकिन वो भी कोई बहुत खास ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तो इकोनॉमिक डेटा फ्रंट पर तो हम ठीक है। दूसरा ये कि आज रात जो अमेरिका में इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे तो उससे मिलाकर कल देखेंगे किस तरह से इम्पैक्ट होता है। उससे पहले बाजार मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और काफी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। 818,000 के पार खुलकर ट्रेड करने की तैयारी भी है, धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और अमेरिका भी लगातार 3-4 अच्छी तेजी दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि मजबूती वाला सेशन बरकरार रहेगा। अब जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है, और सपोर्ट के लिहाज से अब आज जो आपको लेवल पर नजर रखनी है वो है 17,775 से 17,825। ये मजबूत सपोर्ट बन जाएगा। अब गैप से के बाद ऊपर स्तरों पर 18,150-18,125 की जाने की तैयारी है। ऊपर में मुझे लग रहा है कि 18,225 तक जाने की कोशिश निफ्टी एक बार कर सकता है आज और कल के बीच में, वहां तक का टारगेट थोड़ा साफ नजर आता है। अब आइए बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 40,000 के ऊपर लगातार 3 दिनों से बंद होता हुआ दिखा है, अच्छी मजबूती है बैंक निफ्टी में भी, 40,275-40,425, ये 150 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी में, मजबूत सपोर्ट जोन, और इस रेंज में अगर आज दिन के दौरान कोई एक मौका मिलता है जैसे कली की तरह तो खरीदारी करनी है आपको। दूसरा ये कि ऊपर की तरफ 40,750-40,875 ये वो रेंज है जहां पर जाकर आपको प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना थोड़ी बहुत दिखेगी, तो इस लेवल पर आपको फोकस करना है। बाकी तो ब्रॉडर मार्केट में तो तेजी और खरीदारी रहनी है, कैश मार्केट के स्टॉक आज भी एक्शन में रहेंगे, वहां फोकस करना ठीक रहेगा, और इंडेक्स में भी ओवरऑल एक बड़ा आंकड़ा 18,000 का पार करके टिकने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। शुक्रिया सर ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एक बार दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं मैं कि 40,750 से लेकर 40,875 ये निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस जोन होगा। वहीं सिमिलरली अगर आप देखें तो जो सपोर्ट जोन निकल कर आ रहे हो 40,275 से लेकर 40,425 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। सिमिलरली अगर आप देखें तो बाय मोड में जो है 18,050-18,125 के आसपास जो है निफ्टी नजर आ रहा है। तो सेटअप निफ्टी निफ्टी बैंक का आपके सामने है, और जो दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो हमने आपको बता दिए।